भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 की पहली बैठक कल से नागपुर में होगी शुरू। जुलाई में निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार अचानक हुई बारिश के कारण गिरी, गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल। विश्व हिंदू परिषद की प्रदेश के 34 जिलों में चली पदयात्रा का धर्म सभा के रूप में हो रहा है आज समापन। और जांजगीर के किसान स्कूल संगोष्ठी में शामिल हुए अमेरिका के 2 किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 की पहली बैठक कल से नागपुर में शुरू हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता शामिल हो रहे हैं। कल शुरू होने वाले उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी उपस्थित रहेंगी। सिविल 20 के शेरपा डॉक्टर स्वदेश सिंह ने बैठक के संबंध में बताया कि इस बैठक में स्वास्थ्य, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, कला और शिल्प से जुड़े मुद्दों पर सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन अपने विचार रखेंगे। भिलाई में नगर निगम के सेक्टर 7 के दशहरा मैदान में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार शनिवार को अचानक भरभराकर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे इस स्टेडियम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के बाद दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने विधायक और महापौर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि BSP क्षेत्र में नगर निगम यदि कोई निर्माण करता है तो पहले अनुमति लेनी होती है, लेकिन इस बैडमिंटन कोर्ट के लिए नगर निगम ने BSP से कोई परमिशन नहीं लिया। और ये जो देख रहे हैं 35 फीट का दीवार 8 इंच जो गुणवत्ता विहीन है, पता नहीं कौन सा इंजीनियर है, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुए इसके अधिकारी, ऊपर से 10 mm का राड लगाई। हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं उसमें भी गुणवत्ता युक्त राड लगाते हैं, मोटाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये देखिए 10 mm का राड, उसके बाद दीवार खड़े होते जा रहा है। यहाँ का पार्षद बहुत जागरूक पार्षद, बड़े घमंड से बोलते हैं हमारे जैसा पार्षद कोई नहीं है, हमारे जैसा महापौर कोई नहीं है, हमारे जैसा विधायक कोई नहीं है, हम लोग जागरूक हैं। एक ठेकेदार मात्र, सारे ठेकेदार एक ही ठेकेदार करेगा सारा ठेका, एक या दो इनके चहेते हैं वो, और उनके आड़ में ये लोग ठेकेदारी कर रहे हैं जिसका प्रमाण दिख रहा है। वहीं नगर निगम महापौर नीरज पाल ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है और जल्द ही दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। उस निर्माणाधीन भवन का एक हिस्सा गिर गया, एक दीवार गिर गई, तो कल जब ये बात जानकारी में आई तो नगर निगम की एक टीम इंजीनियरों की आयुक्त महोदय से मैंने बात करके वहाँ मौके पर भेजी थी, मैं खुद भी स्वयं गया था, तो अभी उसको बहुत जल्दी उबाजी होगी कुछ भी बोलना। एक टीम इंजीनियरों के हमारे आयुक्त महोदय ने उसके परीक्षण के लिए बना दी है, 2-3 दिनों के अंदर जांच होके आ जाएगा कि दीवार गिरने की वजह कोई प्राकृतिक आपदा है या कुछ निर्माण में कोई कमी थी। उल्लेखनीय है कि शनिवार को ही बारिश की वजह से ये निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार गिरी थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से ट्रेन की सफाई और ट्रेन के समय को लेकर जानकारी ली। यात्रियों ने मंत्री को बताया कि ट्रेनों में अब पहले से ज्यादा साफ सफाई है, प्लेटफॉर्म भी साफ है और ट्रेनें नियत समय पर चल रही हैं। यात्रियों से बातचीत के बाद रेल मंत्री ने कहा कि दिल्ली से जयपुर अजमेर रूट में वंदे भारत ट्रेन चलाने की पहल की जाएगी। वैष्णव दिल्ली से अजमेर शताब्दी में इंस्पेक्शन के लिए निकले हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सर, आप फीडबैक भी ले रहे हैं लगातार यात्रियों से, पहले और अब में क्या परिवर्तन है?
यात्री सभी करीब करीब कहते हैं कि कई वर्षों से गाड़ी में और स्टेशन में साफ सफाई अच्छी है और टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं और खाने की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है, गाड़ियाँ टाइम पे भी चलती है, ऐसा फीडबैक जनरली पैसेंजर्स दे रहे हैं। क्या कहते हैं भाई आप? खाने की क्वालिटी रियली बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया करते हैं और मुझे बहुत बढ़िया है। अब पहले से तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ भी है ट्रेनों में, देख रहे अभी वंदे भारत भी सर ने, मैंने देखा था टीवी पर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो उसमें भी करेंगे सर सफर जब भी होगा, लेकिन और पहले से बेटर सर। फीडबैक तो सर अच्छा है, और क्या सुधार सर यात्रियों को? अभी मेन है कि अभी जयपुर अजमेर वाले रूट पे वंदे भारत चलानी है, तो गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी आके उसका टेस्टिंग और सब रूट पे चलेगी, रूट चलने के बाद में उसको लॉन्च किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के एक माह तक छत्तीसगढ़ के 34 जिलों में चली पदयात्रा का आज समापन हो रहा है। प्रदेश के 4 अलग अलग स्थानों से शुरू हुई इस यात्रा का समापन रायपुर में धर्मसभा के रूप में हो रहा है, जिसमें देश भर से आए साधु संतों ने धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखी। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के कार्य अध्यक्ष और यात्रा के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य धर्म जागरण के आधार पर हिंदू जागरण और हिंदू जागरण से राष्ट्र जागरण करना है। आवश्यकता भूमिका की दृष्टि से जब विचार हुआ संतों के बीच में, तो संतों ने कहा कि जिन उपेक्षित वंचित बस्तियों में और पूज्य संत नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर ईसाई मिशनरी के पादरी और फास्टर जाते हैं और ये पादरी और फास्टर के प्रभाव में आकर वो धर्मांतरित हो जाते हैं, और केवल धर्मांतरण बस नहीं होता, धर्म परिवर्तन बस नहीं होता, तो देश का परिवर्तन हो जाता है, देश विरोधी गतिविधियाँ शुरू होती है। इसलिए इन देश विरोधी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से कुछ संतों का उन घरों में, उन क्षेत्रों में, उन परिवारों में जाना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ही ध्यान में रखकर ये पूज्य संतों ने निर्णय लिया कि हम वहां पर जाएंगे। धर्मसभा में गोरखपुर से आए स्वामी परमात्मानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, इस पर रोक लगानी होगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री विभूति भूषण पांडे ने कहा कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ हो, सभी हिंदू एक हो, ये ध्येय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 23 अप्रैल को होने जा रहा है। डीडी न्यूज के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। 31 मई 2015 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात की थी। हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्व स्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। जांजगीर चांपा के बहिराडीह गांव के किसान स्कूल में खेती में महिलाओं की भागीदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका के दो किसान स्कॉट क्लिप्टन्स और टीम लेंस भी शामिल हुए। इस किसान स्कूल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका के कई किसान बहिराडीह में खेती में हो रहे नवाचार को देखने पहुंच चुके हैं। इस किसान स्कूल में 18 विषयों की जानकारी किसानों को विशेषज्ञ किसानों की टीम द्वारा निशुल्क दी जाती है। इस स्कूल की ये खासियत है कि यहाँ न तो उम्र की बाध्यता है और न ही शिक्षा की, अशिक्षित किसानों को भी इस स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस स्कूल में महिलाओं को भी खेती करने के नवाचार सिखाए जाते हैं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरे क्षेत्र क्रमांक 13 के ग्राम बहराड़ी में किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत सारी हमारी महिलाएं शामिल हुई थी। और बहुत खुशी की बात है, ऐतिहासिक पल है कि हमारे विदेशी भाई भी आए थे जो कृषि के बारे में चर्चा किए कि कैसे हम अपने कृषि को उन्नत बनाएं। कृषि हमारी न्यू है, जड़ है, तो इसको कैसे उन्नत बनाएं, कैसे इसमें विकास करें।
अमेरिका से आए किसान स्कॉट क्लिप्टन्स ने किसान स्कूल के नवाचारी किसानों से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। Clifton Farms International, I'm the executive director, and I had the opportunity today to visit the Kisan Farmer School, and there was a great excitement, a very warm welcome, and you could see the passion that was in the students' faces, excitement to be there. And so it became clear, really, there are three main objectives. The first being that to pass along information from generation to generation. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर 2021 को इस किसान स्कूल की स्थापना हुई थी। सच ही कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए प्रतिदिन हमें सच्ची निष्ठा और लगन से मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही एक कहानी जांजगीर जिले के गांव खटोला की रामकुमारी की है, जिन्होंने अपने स्वसहायता समूह की मदद से कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा रामकुमारी को मिनी राइस मशीन दी गई और उन्होंने अपनी जमा पूंजी से किराने की दुकान खोली। रामकुमारी को अपने जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आजीविका मिशन की टीम से संपर्क होने पर उन्होंने अपने गांव की महिलाओं के साथ स्वसहायता समूह बनाया और छोटी छोटी बचत करने लगी। रामकुमारी ने बताया कि अब वो पहले से अधिक कमा रही हैं और कई महिलाओं को रोजगार भी मिला हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़े के बाद मोर परिस्थिति है काफ़ी हद तक सुधार में आई से बढ़िया। मैं मोर लोग लैकल पढ़ात लिखात हूँ और मोर परिवार भी बढ़िया चलत है। जेकर ऐसे मैं ये सब के माँ सरकार के हाथ है, ओला सरकार ला मैं धन्यवाद देत हूँ और सरकार से मैं मतलब और उम्मीद है मोला सरकार ऐसने हमला गरीब महिला मल्ला आगे बढ़ा। समूह की महिलाओं ने बताया कि रोजगार मिलने से उनका जीवन बदलने लगा है। दाल चावल सब चीज लेकर पीस के दे देते दीदी मन जितको जल्दी हो जाए करते। दीदी मन हाँ जब मिल नहीं रही सेवा तो बहुत मतलब परेशान रही से, अब जब मिल आ गई सेवा छोटे से किराना दुकान भी खुले हुए, अब मिल के भी सहायता होते हुए अब थोड़ा सा बेहतर है मन के भी, वो मतलब कि जो गरीबी से गुजरात रही से ना वो मन अभी अब थोड़ा सा अच्छा से है। गौरतलब है कि समूह को CIF फंड द्वारा 60,000 रुपए की अलग से राशि प्रदान की गई है, जिससे आज महिलाएं अच्छे से मिनी राइस मशीन के साथ ही किराना दुकान भी चला रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD News Facebook और Twitter पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 की पहली बैठक कल से नागपुर में होगी शुरू। भिलाई में निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार अचानक हुई बारिश के कारण गिरी, गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल। विश्व हिंदू परिषद की प्रदेश के 34 जिलों में चली पदयात्रा का धर्म सभा के रूप में हो रहा है आज समापन। और जांजगीर के किसान स्कूल संगोष्ठी में शामिल हुए अमेरिका के दो किसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।